दिल्ली में भाजपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक नो पूर्ण थया बाद हवे गुजरात प्रदेश की कारोबारी बैठक सुरेंद्रनगर खाते योजाई छे। जेमां बैठक नो बीजो दिवस होय त्यारे सुरेंद्रनगर में भाजप अध्यक्ष सी आर पाटिल की अध्यक्षता में चाली रहेली कारोबारी बैठक में आगामी लोकसभा की चूंटणी अंगे चर्चा करवामां आवी। आ उपरांत बैठक में भाजपे तमाम बैठक जीतवा लक्ष्यांक निर्धारित कर्या। तो गुजरात विधानसभा चूंटणी 2022 में भाजपे रेकॉर्ड ब्रेक 156 बैठकों जीतने राजकारण में नवो इतिहास बनाव्यो। गुजरात में चूंटणी जीत्या बाद हवे भाजपे लोकसभा मिशन 2024 माटे तैयारी शुरू कर लीधी छे। प्रदेश भाजप द्वारा लोकसभा की 26 मांथी 26 बैठक मेळवानो लक्ष्यांक निर्धारित करायो। तो लोकसभा की चूंटणी में विपक्ष ने डिपोजिट जप्त करवानो लक्ष्यांक निर्धारित करवामां आव्यो छे। प्रदेश कारोबारी बैठक बीजा दिवसे आ लक्ष्यांक पार पाड़वा चर्चा थशे। तो आगामी समय में अमाटे केटलाक होद्देदारों महत्वनी जवाबदारी बनी शके छे। अपने जणावी दईए के ताजेतर में योजाएली गुजरात विधानसभा की चूंटणी में भाजपे 156 बैठकों जीती। आ 156 बैठकों जीत्या बाद भौगोलिक रीते जोईए तो गुजरात की 26 लोकसभा बैठकों भाजपने हेट्रिक करावा वधारे मुश्किली नहीं पड़े। तेमनी सामे कांग्रेसनुं मनोबल खूब तूटेलू हशे ए वातनी पण कोईने शंका नथी। जो कि सौथी महत्वपूर्ण बाबत ए छे कि वर्ष 2024 ने लोकसभा की चूंटणी पहला विविध 9 राज्यों में विधानसभा की चूंटणी योजाशे जेनी मोटी असर थवानी। त्यारे आ राज्यों में योजनारी विधानसभा की चूंटणियों में पण भाजप गुजरात चूंटणी वक्ते बनावामां आवेली रणनीति मुजब ज काम करशे अने गुजरात मॉडलनो प्रयोग दोहरावी अने अन्य राज्यों में पण मोटी संख्या में बैठकों कब्जे करी ले तेवी शक्यताओ छे। आ उपरांत जे राज्यों में वर्तमान समय में भाजप सत्ता पर नथी एवा राज्यों में पण आ वक्ते भाजप सत्ता प्राप्त करी शके छे। गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कारोबारी आज बीजो दिवस है। विशेष रूपे आज पहलू सत्र उद्घाटन सत्र प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल साहेब एमना उद्बोधन सत्र थी एमना मार्गदर्शन थी एमनी शुरुआत थी। 2022 नी आ गुजरात विधानसभा नी ऐतिहासिक जीतनो श्रेय एमने गुजरातनी जनता अने देशना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी साहेब अने कार्यकर्ताओए करेली मेहनत जेना आधारे एक भव्य अने ऐतिहासिक जीत मळी छे। अने एमणे जे प्रकारे आ जीतना कारणों पण बताव्या के अलग अलग कारणोना माध्यमथी कोई पण चूंटणीनी अंदर भव्य जीत मळती होय छे। जो जे रीते गुजरातनी प्रजाए माननीय नरेन्द्रभाई मोदी साहेबने खोबले ने खोबले आशीर्वाद आप्या अने 156 बैठकों साथे फरी एक वार भारतीय जनता पार्टीनी सरकार बनी त्यारे माननीय नरेन्द्रभाई मोदी साहेब माननीय अमितभाई शाह साहेब माननीय सी आर पाटिल साहेब माननीय भूपेन्द्रभाई पटेल आ तमाम अने देव दुर्लभ कार्यकर्ताओने अभिनंदन आभार प्रस्ताव पण आ कारोबारीमां रजू करवामां आवशे। आगामी संगठनात्मक कामोनी चर्चा करवामां आवशे। स्थानिक स्वराजनी चूंटणीओ जे आवी रही छे एनी चर्चा करवामां आवशे। अने जे रीते 26માંથી 26 લોકસભાની બેઠકો સતત બે વખતથી ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી રહ્યું છે આ વખતે એ હેટ્રિક કરવા માટેનો રોડ મેપ પણ અત્યારથી જ તૈયાર કરવામાં આવશે અને માનનીય સી આર પાટીલ સાહેબના નેતૃત્વમાં આજની કાર્ય સમિતિમાંથી કાર્યકર્તાઓ માટે ખૂબ મોટું ભાથું મળવાનું છે। તેથી જેટલા ધારાસભ્યો છે કે જે ઓછી માર્જિનથી જીત્યા હતા તે લોકો સાથે અલગથી બેઠક કરવામાં આવી છે, શું કારણ છે? જો કાર્ય સમિતિમાં અલગ અલગ બેઠકો થતી હોય છે એમ અલગ અલગ કામો માટે આગામી સંજ્ઞાત્મક આયોજનો માટે જે બધી બેઠકો થતી હોય છે એ પ્રકારની બેઠક હતી। 2024માં માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં ફરી એકવાર 26માંથી 26 બેઠકોની જીત પ્રાપ્ત થાય અને જીતનું માર્જિન એ ઐતિહાસિક હોય એ પ્રકારની દિશામાં અમે સજ્જ છીએ અને આજની કારોબારીમાં એની ચર્ચા પણ કરવામાં આવશે।